गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो लास्ट क्लास में जो डाउट्स रह गए थे उनकी उन्हीं को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एक तो जो गेम 5, 6, 7, 8 के कुछ डाउट्स थे आप लोगों के, है ना, तो पहले मैं उनको डिस्कस करूंगा और फिर इसके बाद आएंगे एंड पे, जहां पर भी आपकी 11th गेम में अगर कुछ रह गया था बाई चांस, तो गेम 10 में तो होपफुली सारे ही आपने कर लिया था। गेम 11 में देयर में माइट बी सम क्वेश्चंस जो आप पूछना चाहेंगे। क्वेश्चन 17 इन गेम 10, ठीक है, अभी देखते हैं। तो आई एम बिगिनिंग विद गेम 6, ठीक है। गेम 6 के डाउट्स कुछ हैं जो पहले मैं टेकअप करूंगा। गेम 6 का क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट, 19th, 21st, 30th एंड 31, दीज आर द क्वेश्चंस विच हैज बीन आस्क्ड गेम 6 में। और कोई क्वेश्चन अगर होगा तो मैं देख लेता हूँ। यही क्वेश्चन थे। अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। गेम 6 फंक्शंस, क्वेश्चन नंबर 15 का पहला पार्ट, इट सेज दैट मॉड ऑफ एक्स माइनस वन का मॉड माइनस ई होल मॉड इक्वल टू 3। सॉल्व दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है भाई? तो ऑब्वियसली यहां से बोलोगे कि दिस इंप्लाइज ये 3 पॉजिटिव है, इसको आप कोई नंबर रिज्यूम करो। और डिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट से अगर जाते हो तो आप क्या बोलते हैं? मान लो ये नंबर है के, तो डिस्टेंस ऑफ के फ्रॉम ई, ई क्या है? यूलर नंबर है, नंबर लाइन पर 2.7 से 2.8 के बीच में। ई से 3 यूनिट राइट और 3 यूनिट लेफ्ट पे दो नंबर्स होंगी, एक ई +3 और एक ई -3। एक्स के का डिस्टेंस ई से 3 यूनिट है तो के की वैल्यू होगी ई -3 और ई +3, e-3 और e+3। यू नो e-3 इज नेगेटिव नंबर एंड e+3 इज पॉजिटिव नंबर। अब k हमने क्या लिया? k हमारा मॉड ऑफ x-1 है। हमने क्या लिया था? हमने लिया था कि k इज इक्वल टू मॉड ऑफ x-1, सो डेफिनेटली k कांट बी नेगेटिव, तो दिस पॉसिबिलिटी इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो यहां से एक ही पॉसिबिलिटी आएगी कि हमारा ये रिजेक्टेड हो जाएगा, रिजेक्टेड बिकॉज दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर सेकंड पॉसिबिलिटी से आगे कैरी आउट करो, यू गेट द आंसर। आ जाएगा आंसर, क्या आंसर आ रहा है बताओ? के की वैल्यू, के हमारा क्या था? मॉड ऑफ x-1, मॉड ऑफ x-1 की वैल्यू e +3 आ गई, तो x का डिस्टेंस 1 से e +3 है, तो ऑब्वियसली x की दो वैल्यू आएगी, एक 1 - e+3 और 1 + e+3। दीज आर द टू सॉल्यूशंस, दैट्स इट। एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। टू सॉल्यूशंस, नेक्स्ट। दूसरा तरीका भी होता है इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका कुछ इस तरह से होगा, जैसे ये वैसे आंसर आपका क्या है? एक आया 4 - e आ गया और एक आ गया 4 + e, और आंसर भी देखोगे तो
अच्छा हाँ, मैं बोल रहा था दूसरा तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का। एक आंसर 4+ ही है, एक -2 -ही आएगा। एक तो आ गया 4+ ही, और यहां से आएगा जो तुम्हारा वो क्या आएगा, 1 -3, तो -2 -ही। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप इसको केस एनालिसिस से करो, तो के ग्रेटर देन ई, के लेस देन ई, तो वो हमेशा लेंथी होगा जब आप केस एनालिसिस से करेंगे ना। तो केस 2 तुम्हारा है, केस एनालिसिस से करो, वो हमेशा इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी में अवॉइड करना चाहिए। मॉड के ऊपर मॉड लगा हुआ, तो इट दैट इज ऑलवेज अवॉइडेड, दैट इज टू बी अवॉइडेड। मतलब उसमें ऐसा केस लेंगे कि मॉड ऑफ x-1 एक बार लेस देन ई करेंगे, और एक बार दूसरा केस लेंगे मॉड ऑफ x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू ई, और फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर पहले केस में आ जाएगा कि ई माइनस मॉड ऑफ x-1 इक्वल टू 3, और इस केस में आ जाएगा कि मॉड ऑफ x-1 -e इक्वल टू 3। फिर आगे कैरी आउट करेंगे दोनों केसेस को, फिर इस वाली कंडीशन के साथ में इंटरसेक्ट करके आंसर निकालेंगे। तो दैट विल बी लिटिल लेंथी, राइट? तो उसको मैंने अवॉइड किया। 15th फर्स्ट के बाद में अगला था 19th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 19th क्वेश्चन क्या था देखो, 19th क्वेश्चन सेज दैट मॉड ऑफ मॉड x-2 -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसको हमें चाहिए था x के लिए, सॉल्व फॉर x। अब फिर वही बात करेंगे, आई वुड से दैट इट इज, इस नंबर को मैंने एक्स नॉट एज्यूम कर लिया, तो मॉड ऑफ x-0 -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 को कैसे रीड करेंगे आप? इसको रीड करेंगे नंबर लाइन पर 1 से 3 यूनिट अवे, दो नंबर होगी, 1 से 3 यूनिट लेफ्ट पे -2 होगी, 1 से 3 यूनिट राइट पे 2 होगी, 4 होगी। अब क्या बोलेंगे, एक्स नॉट का डिस्टेंस 1 से 3 यूनिट और मोर, तो 1 से 3 यूनिट पर तो 4 है, बट 3 यूनिट से ज्यादा डिस्टेंस पर क्या है, तो 4 के राइट की सारी नंबर्स हैं, या -2 3 यूनिट डिस्टेंस पर है बट -2 से लेफ्ट वाली सारी नंबर्स हैं। तो यहां से हमारे पास ऑप्शन आएगा कि एक्स नॉट बिलोंग्स टू -∞ to -2 क्लोज्ड और यूनियन 4 क्लोज टू इन्फिनिटी। ये दो पॉसिबिलिटीज आएगी, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट हमने एक्स नॉट किसको लिया था, हमने एक्स नॉट लिया था मॉड ऑफ x-2 को, मॉड ऑफ x-2 को हमने एज्यूम किया था एक्स नॉट, तो ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड कांट बी नेगेटिव, एक्स नॉट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कीपिंग दैट इन माइंड दैट एक्स नॉट के नॉट बी नेगेटिव, एक्स नॉट की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पॉसिबिलिटी तो रिजेक्ट हो जाएगी ना, दिस इज टू बी रिजेक्टेड, क्योंकि केस कंडीशन क्या है कि एक्स नॉट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए या 0 होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन आएगा, क्या आएगा बोलो? एक्स नॉट मतलब मॉड ऑफ x-2 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आएगा। मॉड एफ वैसे भी सोचो, मॉड ऑफ x-2 इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मॉड ऑफ x-2 इज लेस देन इक्वल टू -2, ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो नॉट पॉसिबल है, इसीलिए रिजेक्ट किया। अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर वही कहानी है ना, x का डिस्टेंस 2 से कितना है, 4 यूनिट या लेस, तो ये 2 है, 2 से 4 यूनिट पर 6 होगा, 4 यूनिट लेफ्ट पे जाएंगे तो -2 होगा, और x का डिस्टेंस फ्रॉम 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, इसका मतलब है कि x कैन बी एनी नंबर फ्रॉम 6 to infinity और -2 to -∞। आगे x बिलोंग्स टू -∞ टू नेगेटिव ऑफ 2 क्लोज्ड यूनियन 6 क्लोज टू इन्फिनिटी, दिस इज योर फाइनल आउटकम, -∞ to -2 यूनियन 6 टू इन्फिनिटी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का फाइनल आंसर आ गया। सबको क्लियर है बेटा? अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ लो।
तो 19th हो गया, तो 19th के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 21st। 21st क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, आपके पास अगर है तो वहां से रेफर भी कर दो। 21 क्वेश्चन है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस एट इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस नाइन प्लस मॉड ऑफ टू एक्स माइनस थ्री। नाउ यू विल सी दैट इट इज मॉड ऑफ, इफ आई कंसिडर दिस एज ए एंड दिस एज बी, सो लेफ्ट हैंड साइड इज ए प्लस बी का मॉड, राइट हैंड साइड इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। आई होप यू ऑल रिमेम्बर द ट्राइंगल इनइक्वालिटी। कब पॉसिबल होगा? तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी बोलती है कि मॉड ए प्लस मॉड बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ए प्लस बी, एंड इक्वालिटी होल्ड्स इफ एंड ओनली इफ ए और बी दोनों सेम साइन के हों, मतलब उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव हो, या दोनों में से कोई एक जीरो हो जाए या दोनों जीरो हो जाए, तो ये इक्वालिटी की कंडीशन है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ इक्वालिटी की तो बात हो रही है, यहाँ पर तो बात ही हो रही है कि मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू मॉड ए प्लस बी। कब होगा भाई? अगर ए और बी सेम साइन के हैं तभी होगा। तो देयरफॉर यहां से हमारा कंक्लूजन आया कि ए और बी का प्रोडक्ट ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ए हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस नाइन, और बी क्या है? टू एक्स माइनस थ्री। इनका प्रोडक्ट ग्रेटर इक्वल टू जीरो होना चाहिए। बट यू नो इसके और जरा ध्यान से देखो, इसको वैसे भी ए पॉजिटिव डी नेगेटिव से भी देख लो, या एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस फाइव है, तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव हो गया। एक्स कोई भी रियल वैल्यू दो ये पॉजिटिव ही आएगा। अगर पहला फैक्टर पॉजिटिव है और टू एक्स माइनस थ्री, और इस फैक्टर का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, इसका मतलब है कि टू एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, इसका मतलब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री बाई टू होना चाहिए। तो आंसर आ गया एक्स बिलोंग्स टू क्लोज टू थ्री बाई टू टू इन्फिनिटी, इट इज द सोल्यूशन एंड दिस इज द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 21। थ्री बाई टू क्लोज टू इन्फिनिटी इज द आंसर। आपने आंसर मैच भी कर लिया होगा, सेम आंसर है। 21st के बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया वो एक बच्चे ने पूछा 23rd। 23rd क्वेश्चन देखो, गेम सिक्स की डिस्कस कर रहा हूं मैं अभी, गेम सिक्स की सारी प्रॉब्लम डिस्कस हो रही। तो गेम सिक्स का क्वेश्चन 23 ये क्या था? इट सेज दैट फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इक्वल टू फाइव, सॉरी मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इक्वल टू फाइव, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बोल रहे हैं, कितने सॉल्यूशंस होंगे इस इक्वेशन के। अब देखो, और यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता कि मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस फाइव इक्वल टू फाइव, तब क्या होता है ना? तो दो पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूं अभी मैं, इस पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं, केस वन की बात कर रहा हूं। इसको सॉल्व करो आप। तो इसको सॉल्व करने के लिए मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, इस एक्स और एक्स माइनस वन के साथ इसका कोई लिंक नहीं है स्ट्रेट अवे, सिर्फ इतना लिंक है कि ये नंबर फाइव वन से बड़ी है और एक्स माइनस वन का डिफरेंस वन है। तो बेसिकली मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन वन, इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये एक्चुअली फाइव है, इक्वल टू फाइव है और फाइव ग्रेटर देन वन है, ऐसे बोलो। तो जो इनइक्वालिटी आएगी ना मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन ग्रेटर देन वन, उसका ये सबसेट होगा, एक इसका सोल्यूशन उसमें लाई करेगा। तो उसे कोई मेरे को बेनिफिट नहीं है, तो वी आर नॉट गेटिंग इन टू दैट इनइक्वालिटी, उसके बारे में भी हमें सोचना नहीं। स्ट्रेट वे हम क्या करेंगे इस केस में? एक मॉड होता तो स्क्वेयरिंग वगैरह भी कर सकते थे, दो मॉड के टर्म्स हैं तो हम स्क्वेयरिंग नहीं करेंगे,
हम क्या करेंगे, केस एनालिसिस करेंगे। केस एनालिसिस कैसे करेंगे, तो मैंने बताया था कि पहले मॉड के का क्रिटिकल पॉइंट 0 है, दूसरे का 1 है, तो आप 3 केस बनाएंगे। एक केस केस 1 होगा जिसमें माइनस इन्फिनिटी से 0 एक्स लेके चलेंगे, दूसरा जब एक्स बिलोंग्स टू 0 टू 1 लेके चलेंगे, तीसरा जब एक्स बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी लेके चलेंगे। फर्स्ट केस में देखो तो एक्स नेगेटिव है, तो मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स हो जाएगी और मॉड एक्स माइनस 1 की वैल्यू 1 माइनस एक्स हो जाएगी। दूसरे केस में बस जैसे मैंने डिस्कस किया था ना, मेकिंग एक्सप्रेशन फ्री फ्रॉम मॉड्यूलस साइन, तो वही चीज कर रहे हैं अभी, हम एक्सप्रेशन को मॉड से फ्री कर रहे हैं। दूसरे केस में एक्स अगर 0 से 1 है तो एक्स पॉजिटिव है, तो मॉड एक्स की जगह तो सिंपली एक्स आ जाएगा। एक्स अभी भी 1 से छोटा है, एक्स लेस देन 1 है इस पूरे इंटरवल में, तो एक्स माइनस 1 नेगेटिव है, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 जो होगा 1 माइनस एक्स होगा। तीसरे केस में मॉड एक्स भी एक्स हो जाएगा और मॉड एक्स माइनस 1 भी एक्स माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव क्वांटिटीज है। एंड देयरफॉर इक्वेशन क्या बनेगा, हर केस की बात करो, फर्स्ट केस में इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन हो जाएगा एक्स का माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5। तो क्या आया बताओ, माइनस 2x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू माइनस 2, और माइनस 2 बिलोंग्स टू द इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू 0, केस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एंड देयरफॉर x बिलोंग्स टू माइनस 2 इज वन सेट ऑफ सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट केस। ये टेकन एक सॉल्यूशन तो फर्स्ट केस में आ गया। दूसरे केस में मॉड x की जगह इक्वेशन में यही इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं ना, तो मॉड एक्स की जगह एक्स लिख दो और मॉड एक्स माइनस 1 को 1 माइनस एक्स लिख दो, तो इस केस में इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स प्लस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5। तो ये तो इम्पॉसिबल है, 1 इक्वल टू 5 नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल का मतलब क्या हुआ, नो सॉल्यूशन, एक्स बिलोंग्स टू नल सेट, ये दूसरे केस का कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब 0 से 1 के बीच की कोई नंबर सेटिस्फाई नहीं करेगी इस इक्वेशन को। तीसरे केस में अगर देखो तो मॉड एक्स की जगह एक्स हो गया, तो एक्स प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 5, कंडीशन है एक्स लाइज 1 से इंफिनिटी। ओके, तो ये आ गया 2x इज इक्वल टू 6, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 2x 6 है तो एक्स की वैल्यू बेटा आ गई 3। 3 इसको केस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हमारा सॉल्यूशन सेट आया सिंगलटन 3, बट इसका और इसका इंटरसेक्शन लेके यही आएगा, तो ये हमारा सेट ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो केस एनालिसिस में हर केस को सॉल्व करते हैं अंडर सर्ट दैट केस कंडीशन, फिर सॉल्यूशन सेट आता है, इसको बोलते हैं C1, ये जो लिखा हुआ ना ये C1 है केस कंडीशन, और इसको बोलते हैं S1, और फाइनल आंसर जो आता है किसी भी केस का सॉल्यूशन आता है C1 इंटरसेक्शन S1। जैसे ये तुम्हारा है केस कंडीशन C2 और ये सॉल्यूशन है S2, तो आंसर सेकंड केस का आएगा C2 इंटरसेक्शन S2। ये है तुम्हारा C3 और केस सॉल्यूशन आया S3, तो आंसर आएगा तीसरे केस में आंसर आएगा C3 इंटरसेक्शन S3। तो यहाँ पर C3 S3 का इंटरसेक्शन में S3 ही आ गया, यहाँ पर नल आ गया है ना, यहाँ पर नल सेट आ गया, यहाँ पर S3 आ गया और यहाँ पर S1 आ गया, तो S1 और S3 का फाइनल आंसर, तीनों केस का आंसर का यूनियन लेंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा, तो इसका फाइनल आंसर क्या आया, कितने सॉल्यूशन आए, कौन कौन से सॉल्यूशन आया बताओ। तो फाइनल आंसर आया x बिलोंग्स टू, एक तो माइनस टू सॉल्यूशन सेट में मिला और एक 3 मिला, तो 2 सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा था तो 2 सॉल्यूशंस या 2 रूट्स, 2 रियल रूट्स। तो 23rd क्वेश्चन में नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ गए, 2। आप आंसर वेरीफाई कर लेना सेम है। इसके बाद में 30th एंड 31st क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 एंड 31st, 30th क्वेश्चन देखो। 30th क्वेश्चन दिया क्या, मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन मॉड एक्स माइनस 1। ठीक है, पहले तो बताओ कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, एक बार जरा कंफर्म कर दो मुझे कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन।
ये गेम सिक्स का क्वेश्चन नंबर 30 है। तो देखो, दिस इज सो सैड कि टोटल क्लास में से सिर्फ 6 बच्चे हैं जो इसको सॉल्व कर पाए, है ना, और सिर्फ एक या दो बच्चों ने इसको एज ए डाउट पूछा। सिर्फ एक या दो बच्चों ने डाउट पूछा कि ये मेरा डाउट है, और मतलब लगभग 80% ऑफ द क्लास इज मिसलीडिंग मी, बता ही नहीं रहे क्या है क्या नहीं है, क्वेश्चन देखा भी कि नहीं देखा। तो अगर आप मैथमेटिक्स में हर दिन क्लास के अगेंस्ट में जो उसकी गेम है, उससे टेक्सुअल एक्सरसाइज है, उसको नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। ये उस दिन भी मैंने बोला था, अभी भी मैं बोल रहा हूं कि अगर आप इस सब्जेक्ट में एफर्ट नहीं करेंगे, प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व करेंगे, तो आप बस वहां जा करके बस वो एंजॉय करेंगे लाइफ को, क्वेश्चंस नहीं निकलेंगे। मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, समय बहुत कम होता है, ऐसे जब बिल्कुल आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन निकल भी जाते हैं। स्ट्रेस कंडीशन में दिमाग काम करना बिल्कुल बंद कर देगा आपका। अब जो जिन्होंने सॉल्व किया वो लोग जरूर देखेंगे, क्योंकि उनको बेनिफिट होगा। अगर उन्होंने कुछ एग्जॉस्टिव तरीके से सॉल्व किया तो देखो कि इसमें क्या करना था। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, राइट हैंड साइड को अगर मैं ऐसा लिख दूं, तो चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा, बिकॉज एक्स स्क्वायर पॉजिटिव नंबर है, नॉन नेगेटिव नंबर है, तो एक्स स्क्वायर को मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल्दो एक्स क्यूब को, ये हर एक एक्स रियल के लिए वैलिड है, बट एक्स क्यूब को अगर आप मॉड एक्स क्यूब लिखते हो तो ये गलत है। ये कब होगा? ओनली इफ एक्स इज पॉजिटिव आर जीरो। अगर एक्स 0 से इंफिनिटी, तभी आप एक्स क्यूब को मॉड एक्स क्यूब लिख सकते हैं। हाँ, ऑड पावर के लिए वैलिड नहीं होगा ये, राइट? ऑड पावर के लिए आपको केस एनालिसिस करनी पड़ेगी। एनीवे, तो मैंने इवन पावर था उसका एडवांटेज लिया और मॉड लिख दिया। क्यों लिखा मॉड? कैन यू जज माई माइंड? कैन यू रीड माई माइंड? वट आई विश, वट आई एम एबल टू ऑब्जर्व, जिसके लिए मैंने यहां मॉड लिख दिया, क्योंकि तब मैं देखूंगा कि ये जो अंदर की क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी ये है क्या? ये एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन है। ना, यूनिफॉर्मिटी वगैरह नहीं बेटा, ये गलत फहमी में मत रहो कि यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए किया, नहीं, ये आ गया मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू मॉड ए प्लस बी। ट्राइंगल इनइक्वालिटी का केस बना दिया मैंने। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो दो नंबर है ना, एक्स और एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, दोनों को ऐड करो तो आता है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन, और दोनों को मल्टीप्लाई करो तो भी वही आता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो इस पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अच्छा सा प्रॉब्लम बन सकता है। एनीवे, मॉड ए प्लस मॉड बी इज मॉड ए प्लस बी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ए और बी का प्रोडक्ट क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और इसका मतलब क्या है? ए इंटू बी क्या आएगा बताओ? ए इंटू बी आएगा वही एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो और एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। इससे तो आया एक्स बिलोंग्स टू सिंगलटन जीरो, और इससे आगे एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो एक्स माइनस वन पॉजिटिव होना चाहिए, तो एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए।
फाइनल आंसर है एक्स बिलोंग्स टू 1 to infinity यूनियन सिंगलटन 0। एक्स इक्वल 0 क्लियरली सेटिस्फाई कर रहा है, यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम द इक्वेशन। और अगर एक्स 1 से बड़ा है तो ये मॉड हट जाएगा, एक्स 1 से बड़ा है तो ये मॉड भी हट जाएगा और इधर भी मॉड हट जाएगा और ऑब्वियसली वैलिड। तो यू गॉट द आंसर, ये तुम्हारा 30th क्वेश्चन था, 30th का आंसर आ गया 1 to infinity यूनियन सिंगलटन 0। दैट्स इट, सिंपल। अब आपने इसको कैसे किया, या जिन जैसे 7 बच्चों ने बोला किया, क्या आप सबने ऐसे ही किया था? एक बार जरा चैट बॉक्स में कंफर्म करो बेटा, जिसका इसका हो गया था। हाँ? सेम ऐसे किया था, दैट्स वेल डन। और रीत, शिवानी, ध्रुव, किया था ये सब क्वेश्चन तो तुम लोग कर गए हो, बोलो। मुस्कान, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। अब 31st क्वेश्चन देख लो, 31st क्वेश्चन नंबर 31 क्या था? मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ। अब बोल रहे सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स कैसे करेंगे? एक तरीका तो केस एनालिसिस का है, बट केस एनालिसिस में भी अगर थोड़ा स्मार्टली वर्कआउट करना चाहो, है ना, तो ऐसे समझो कि बिकॉज LHS जो है ना वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा क्योंकि मॉड है, और RHS अगर नेगेटिव हुआ तो क्लियर कट सेटिस्फाई करेगा। तो पहले तो चेक करो RHS नेगेटिव कब होगा, व्हेन डज RHS इज नेगेटिव, तो राइट हैंड साइड कब नेगेटिव है, राइट हैंड साइड की वैल्यू नेगेटिव कब है, जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 से बड़ी हो जाए। तो पहला केस तो मैं ये लिखूंगा, इफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2, दैट इज मॉड एक्स इज ग्रेटर देन √2। दैट इज एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस √2 यूनियन √2 टू इंफिनिटी, देन इनइक्वालिटी क्लियरली होल्ड्स गुड। इनइक्वालिटी होल्ड्स गुड, मानते हो कि नहीं मानते हो? क्योंकि राइट हैंड साइड नेगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव, सही है। तो ये सॉल्यूशन सेट तो अनडाउटेडली स्ट्रेट अवे मिल गया मुझको, ये सॉल्यूशन सेट है। तो अब रह गया सिर्फ कौन सा, केस टू। ये केस वन की बात हुई, अब बोलूंगा मैं केस टू। केस टू में क्या बच गया बताओ? अब बच गया जब एक्स की वैल्यू माइनस √2 से √2 क्लोज में हो, मतलब मॉड एक्स की वैल्यू जब लेस देन इक्वल टू √2 हो, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू माइनस ऑफ √2 से √2 क्लोज। इस इंटरवल के लिए क्या होगा? अब मेरा RHS भी पॉजिटिव हो गया और LHS भी पॉजिटिव हो गया। जब दोनों साइड पॉजिटिव हो गया तो मैं स्क्वेयरिंग भी कर सकता हूं, मैं केस एनालिसिस भी कर सकता हूं, सर कुछ कर सकता हूं, लेकिन केस एनालिसिस में फिर मेरे को ज्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा टाइम। तो मैंने दोनों साइड पॉजिटिव है, स्क्वेयरिंग कर दी। स्क्वेयरिंग किया तो आया एक्स स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, सब कुछ लेफ्ट में लाए तो माइनस दिस ग्रेटर देन 0 ऐसा कर दो, है ना। ए ग्रेटर देन बी का मतलब ए माइनस बी ग्रेटर देन 0, और फिर हमने फैक्टर कर लिया ए प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, तो आया 3x प्लस 2, ए प्लस बी से आया 3x प्लस 2, और ए माइनस बी से क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 प्लस, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2,
इज ग्रेटर देन जीरो। एंड नाउ टू टू जा फोर, ये फैक्टर हो जाएगा, ये फैक्टर हो जाएगा, फटाफट देख लो, 3x+2 × या करो, कंप्लीट करो, इसी इक्वालिटी को सॉल्व करके बताओ फैक्टर वैक्टर करके। तो इसका फैक्टराइजेशन किया तो आया 2x² + 4x - x - 2 कर दो, तो 2x - 1 × x + 2 हो गया, x+2 × 2x - 1 > 0। अब वेविकर मेथड लगा दिया सर, एक रूट है -2, एक रूट है -2/3, एक रूट है हाफ, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। हमें चाहिए था एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो चाहिए ना, यहाँ भी ग्रेटर देन जीरो चाहिए एक्सप्रेशन, तो आ गया एक्स बिलोंग्स टू -2 से -2/3 ओपन यूनियन हाफ टू इंफिनिटी। बट रिमेम्बर कि ये सारा डिस्कशन अंडर द कंडीशन दैट एक्स लाइज दिस, तो फिर से हमने इसी इंटरवल पे ये केस कंडीशन मार्क कर दी, -√2 कहाँ है, -√2 यहाँ कहीं होगा, और √2 कहाँ है, तो √2 की वैल्यू यहाँ कहीं होगी। तो हम इसी इंटरवल की बात करेंगे, इसके बियॉन्ड तो जाना नहीं, इस इंटरवल में क्या सोल्यूशन आएगा, इसका और इसका केस कंडीशन का इंटरसेक्शन लेंगे इन दोनों का, टेकिंग इंटरसेक्शन, तो क्या आया बताओ। बताओ क्या आया, इंटरसेक्शन लेके क्या आया, जल्दी बोलो। -2 से -2/3, ये आया सॉल्यूशन, एक तो इतना आ गया, ये वाला पॉजिटिव वाला देखो, ये वाला, और एक ये वाला आ गया एक्स बिलोंग्स टू -√2 से -2/3 ओपन -√2 क्लोज्ड यूनियन हाफ से √2, हाफ हाफ क्लोज नो हाफ ओपन, और √2 क्लोज। ओपन क्लोज को लेके ज्यादा परेशान मत हो, क्योंकि अगर ओपन क्लोज है तो उस नंबर को पुट करके आप वेरीफाई कर सकते हो ओरिजिनल इनइक्वालिटी में, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। एनीवे, तो अब ये आया सेकेंड केस का, है ना, ये आया था फर्स्ट, फर्स्ट केस का सॉल्यूशन सेट S1, इसका आया S2। S1 S2 का क्या लेंगे, यूनियन, इन दोनों का यूनियन लेके क्या है, देखो -∞ से -√2 था, ये -√2 से -2/3 आया, ये हाफ से √2 और √2 से इंफिनिटी, तो ऑब्वियसली आंसर फाइनल आ गया क्या, इसका और इसका यूनियन लेके S1 यूनियन S2 क्या है, फाइनल आंसर ये है, क्या आया -∞ से, जल्दी बोलो, -2/3 ओपन यूनियन √2 से इंफिनिटी हाफ से इंफिनिटी, दिस इज द फाइनल आंसर, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 31। यस राइट, वेरी करेक्ट। तो ये दिस इज ऑल अबाउट ऑल द क्वेश्चंस, जो आपने जो भी डाउट पूछे थे रिगार्डिंग गेम 6। गेम 6 में और किसी को तो कोई डाउट नहीं है जी, किसी बच्चे का गेम 6 में कोई अगर ट्रबल है तो बोल दो। ओके जी, अब आ जाओ जी गेम 7। गेम 7 में जो आप लोगों ने क्वेश्चन शेयर किया है, फिफ्टीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी वन थर्टी थर्टी वन, हाँ एक सेकेंड, क्या बोला, हाँ शिवानी, 17 क्वेश्चन केस एनालिसिस से हो गया ना, कौन सा 17 बेटा, सेवनटीन क्वेश्चन कौन सा, गेम 6 का, ये आई होप यू आर टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, मॉड ऑफ x+2 + मॉड ऑफ x - 3 + 2, ये इसकी बात कर रहे हो, इसमें तो कोई
कोई एनालिसिस नहीं करनी है, ये तो वर्बल क्वेश्चन है। ये मॉड है तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, और ये तो सरासर पॉजिटिव है। तो एक पॉजिटिव नंबर में दो नॉन नेगेटिव नंबर ऐड करके जीरो हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता, तो नो सोल्यूशन। अरे भाई, तीन पॉजिटिव नंबर को ऐड करके जीरो कैसे हो सकता है ये बताओ। तीन नॉन नेगेटिव नंबर को ऐड करके जीरो तभी हो सकता है जब तीनों जीरो हो जाए, इसमें से तो टू तो कभी जीरो नहीं हो सकता, तो इम्पॉसिबल सा है ये, कभी सॉल्व, कभी ये जीरो नहीं होगा, इक्वालिटी विल नेवर होल्ड गुड। चलिए गेम सेवन पे आओ। गेम सेवन, कुछ लोगों का लॉग में भी डाउट है और कई बहुत सारे डाउट है, तो बिकॉज लॉग वाले डाउट कई सारे लोगों के साथ मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो उसको मैं अलग से ही डिस्कस करूंगा। इस वजह से मैं अभी क्लास के अंदर में उसको नहीं छेड़ रहा हूँ, लास्ट पर देखेंगे, है ना। गेम सेवन में 18th क्वेश्चन। हाँ, गेम सेवन में देर आर 18 क्वेश्चन ओनली। हाँ, तो ये गड़बड़ कुछ हुई है मुझे लग रहा है। गेम सिक्स के क्वेश्चन, एक तो ना आप लोग जो ग्रुप पे नहीं डालते हो क्वेश्चन को, इंडिविजुअली मेरे को सेंड कर देते हो, इट क्रिएट्स लॉट्स ऑफ ट्रबल। आगे से इसका ध्यान रखो कि ऐसा नहीं करना, क्योंकि उसको सर्च करने में बहुत मुश्किल होती है मेरे को, ठीक है। तो आप लोग आगे से जो भी डाउट शेयर करेंगे वो सारा ग्रुप पे ही शेयर करो, ठीक है। चलो, इसमें जो क्वेश्चन है अभी तो 15 एंड 18 का कोई पार्ट है। हाँ ठीक है, ठीक है, देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 15 तो क्लास में डिस्कस हो चुका है। ओके, वन सेकेंड वन सेकेंड। गेम सेवन में 13th का ए, 14th का बी एंड सी, 16th का 4, 8, 9, 18th का 1, 3, 4। हाँ ठीक है, बट इसमें बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में डिस्कस हो चुके हैं बेटा। चलो देखते जाओ फटाफट, इट वोंट टेक मच टाइम, है ना। तो मैं देख रहा हूँ, पहले तो मैं 13 से स्टार्ट कर रहा हूँ। 13 में दिया fx इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ जिनटेक्स। अब बोल रहे हैं इसका रेंज क्या होगा, डोमेन क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, इसको डिफाइन होने के लिए जिनटेक्स की वैल्यू -1 से 1 होनी चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्स क्या होगा, तो जिन टेक्स अगर -1 से 1 है तो जिन टेक्स की पॉसिबल वैल्यू है -1, 0 एंड 1, तो एक्स हो गया तुम्हारा -1 क्लोज से लेकर के 2 ओपन तक, ये तो डोमेन हो गया। बट अब हमें रेंज की बात करें, तो रेंज के लिए हम हमेशा कहाँ से स्टार्ट करते हैं, डोमेन से। एक्स बिलोंग्स टू -1 टू 2, तो एक्स बिलोंग्स टू -1 टू 2 डोमेन में जिन टेक्स की वैल्यूज क्या क्या परमिसिबल है, -1, 0 एंड 1, और जिन टेक्स अगर ये वैल्यू लेगा तो कॉस इनवर्स जिन टेक्स की क्या वैल्यू होगी, जिसको हम वाई बोल रहे हैं, तो वाई विल टेक द वैल्यू कॉस इनवर्स -1, कॉस इनवर्स 0 एंड कॉस इनवर्स 1, दैट्स इट। अब कॉस इनवर्स -1 क्या होता है, पाई, कॉस पाई इज -1। कॉस इनवर्स 0 क्या होता है, पाई बाय 2, क्योंकि कॉस पाई बाय 2 0 होता है। कॉस इनवर्स 1 होता है 0, क्योंकि कॉस 0 1 होता है। ये रेंज आ गया, रेंज ऑफ फंक्शन, इज दैट क्लियर। ये 13th का फर्स्ट पार्ट था, 13th का ए।
इसके बाद बात आई 13th का, 14th क्वेश्चन का बी एंड सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 14th का बी एंड सी पार्ट। हाँ तो उसके बाद देख लेना चाहिए एक बार ना फिर से दोबारा। चलो बहुत सारे दूसरे लोगों के भी डाउट थे तो लेट मी चेक इट। 14th का बी एंड सी। फोर्टीन बी में हमारा एक्सप्रेशन है, ये तो मुझे लग रहा है ये तो पूरा क्लास में डिस्कस हुआ है, कॉस इनवर्स ऑफ 1 + x² / 2x। और सी पार्ट की बात करें तो वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ 1 + x², तो ऑब्वियस ही बात है कि 1 + x² / 2x ये बेसिकली अगर ध्यान से देखो तो कॉस इनवर्स ऑफ हाफ ऑफ x + 1/x, 1/2 times x + 1/x। तो AMGM से ये 2 से इन्फिनिटी होगा अगर x पॉजिटिव होगा तो, और हाफ कर देंगे तो 1 से इन्फिनिटी। तो एक्चुअली ये क्वांटिटी जो है वो इसका, तो हम ऐसा बोलेंगे कि हाफ x + 1/x की जो रेंज है ये रेंजेस फ्रॉम -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। बिकॉज ये यहाँ है जबकि कॉस इनवर्स को डिफाइन होने के लिए -1 से 1 होना चाहिए, तो ऑब्वियसली डोमेन क्या होगा, कब डिफाइंड होगा ये फंक्शन, तभी डिफाइंड होगा जब -1 एंड 1 दो इनपुट पर, क्योंकि -1 से छोटा हुआ तो कॉस इनवर्स डिफाइंड नहीं होगा, 1 से बड़ा हुआ तो भी नहीं होगा। तो एक ही केस आया कि जब ये क्वांटिटी या तो -1 हो जाए या तो 1 हो जाए, तो x = 1 पर 1 होगा और x = -1 पर -1 होगा, तो ये दो ही इनपुट के लिए डिफाइंड होगा, ये डोमेन हो गया। और जब दो ही इनपुट है डोमेन में तो रेंज में भी 2 आउटपुट आएंगे, तो रेंज क्या आ जाएगा, तो एक बार 1 पुट कर दो तो cos-1 आ जाएगा, cos-1 क्या होता है 0, और एक बार -1 पुट कर दो cos-1 क्या होता है पाई, 0 से पाई इंटरवल में 2 आउटपुट हो गए, तो ये भी क्लास में डिस्कस हो चुका था। इसकी बात करो तो ये टेन इनवर्स तो हमेशा डिफाइंड होता है, तो डोमेन इसका ऑल रियल नंबर है, रेंज के लिए क्या बताऊं मैं, x² + 1 हमेशा 1 से इन्फिनिटी होगा। टेन इनवर्स ऑपरेट कर दो, टेन इनवर्स ऑफ 1 और टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी ओपन, टेन इनवर्स 1 π/4 होता है और ये इन्फिनिटी π/2 होता है, y बिलोंग्स टू π/4 क्लोज्ड से π/2 ओपन। तो मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन क्लास में करा दिया था बट फिर से आपने रिपीट करा लिया, कोई बात नहीं। तो दिस इज अबाउट 14th का बी एंड सी। 14th बी एंड सी के अलावा क्या था गेम 7 में, हाँ 16th, ये ठीक है ये डिस्कशन होना चाहिए, तो मैं इसको देख लेता हूँ। 16th क्वेश्चन का 9th, यस 6th√(4)^(x+8)^(2)^(x-2)-52 -2)^(2)^(x-1), इसका डोमेन चाहिए, डोमेन सभी लोग जरा ट्राई कर लो, तो जल्दी से एक बार बताओ कितने लोग कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दिस क्वेश्चन, इसका आंसर निकाल लिया है। देखो दिस टू बी डिफाइंड, 6th रूट है, इवन रूट में इनपुट पॉजिटिव होना चाहिए, 4^x + 8 को 2³ लिख दो, तो 2^(2x-4) -52 -2^(2x-2) इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये हो गया तुम्हारा 4^x प्लस ये भी हो गया 2^2x मतलब 4^x / 16,
2 की पावर 4 मतलब 16, एंड माइनस ये वाले को 2 की पावर 2x मतलब 4 की पावर x/4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 52, माइनस 52 को उधर ले गए। अब 4 की पावर x कॉमन ले लो तो क्या आया भाई, 1 + 1/16 माइनस 1/4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 52, तो 4 की पावर x इंटू ये 4/16 लिख दो इसको, 4/16 लिख दो इसको ना, 1/4 को 4/16 लिखा सकता है, तो याद आएगा तुम्हारा 17 - 4 13/16, 13/16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 52, तो 4 की पावर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16, 4 जा 64, एंड देयरफॉर 4 क्यूब है ये, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो सॉल्यूशन है x बिलोंग्स टू 3 क्लोज टू इनफिनिटी, दिस इज द डोमेन। 16th का 9th पार्ट था ये, 16th का 10th पार्ट, सेम क्वेश्चन 16th का 10th पार्ट क्या था, 10th 11th दोनों में वही एनसीआर वाली कंडीशन है, एनसीआर का डोमेन क्या होता है, एनसीआर कब डिफाइंड होता है, वही वाला फंक्शन का कंडीशन, क्लास में भी एक दो सम कर चुके हैं उस टाइप के। तो देखो इसमें क्या दिया, इन्होंने दिया 16 - xc 2x + 1 +20 - 3x p 4x - 5, 2p डिफाइंड, इसको डिफाइन होने के लिए डोमेन चाहिए इसकी, इसको डिफाइन डिफाइन होने कंडीशन क्या है, 16 - x > 0 2x + 1 > 0 एंड x इंटीजर होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन एंड यहां से 20 - 3x > 0 4x - 5 > 0 एंड एक और कंडीशन यहां मिसिंग है, इसको लिख देना 20 - 3x > 4x - 5, और यहां पर एक कंडीशन मिस कर गया मैं, 16 - x > 2x + 1, तो ये कंडीशंस का मीट करते हुए जो भी x की वैल्यू आएगी वो हमें फाइनल ले लेनी है। कर जाओ फटाफट जल्दी से, क्या आएगा बताते जाओ जरा, यहां से x 16 से लेस होना, x माइनस हाफ से बड़ा होना, और तीसरी कंडीशन से क्या आएगा, एक तो इन फर्स्ट और सेकंड से आया x बिलोंग्स टू -1/2 से 16 एंड x इंटीजर, तीसरी कंडीशन से आया 3x < 15 x < 5, तो एक्चुअली देखो तो -1/2 से 5 और x इंटीजर भी होना चाहिए, तो फाइनल जो आएगा तो x बिलोंग्स टू -1/2 से, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, सिर्फ ये 6 इंटीजर्स हैं जो फर्स्ट केस को सेटिस्फाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को। सेकंड फंक्शन की बात करो तो यहां से पहली कंडीशन से आएगा कि 3x की वैल्यू 20 से छोटी, x की वैल्यू 20/3 से छोटी और x की वैल्यू 5/4 से बड़ी, तो ये फर्स्ट और सेकंड से आया, फर्स्ट एंड सेकंड, वेयर एज यहां से आया कि 7x < 25, तो x जो है वो 25/7 से छोटी एंड x इज लेस देन 25/7, तो एक्चुअली तीनों इन दोनों का कॉमन क्या है, तो x की वैल्यू आई 5/4 से लेके 25/7। अब मुझे बताओ इस इंटरवल में क्या क्या है, 5/4 होता 1.25, ये होता 3 point something, तो इसमें x की दो वैल्यू आएगी 2 और 3, दो ही इंटीजर वैल्यू आनी है क्योंकि इंटीजर ही लेना है ना, पहली कंडीशन तो तभी डिफाइंड होगी जब x इंटीजर, तो ऑब्वियस बात है इन दोनों का इंटरसेक्शन में क्या है, फाइनल आंसर आया डोमेन में 2, 3, x = 2 और x = 3, ये दो नंबर सेटिस्फाई करेंगे बस। ये भी हो गया जी, 9th और 10th हो गया तुम्हारा 16th का। अब 11th बिल्कुल सिमिलर है, तो आई वुड प्रेफर कि आप अपने आप कर लेना इसको, x² + 4x
सी टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, ये इसका रूट कब डिफाइंड होगा? तो ऑब्वियस बात है कि ये होल नंबर होना चाहिए, बस ये डिफाइंड होना चाहिए, ये वाला डिफाइंड होगा तो एनसीआर डिफाइंड होगा, तो रूट एनसीआर की वैल्यू भी रियल ही आएगी, ऐसा वो आप कर जाएंगे। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18th, 18th क्वेश्चन ऑफ द सेम एक्सरसाइज। 18th के पहले अगर किसी का डाउट होगा चैट बॉक्स में आप मेंशन कर देना, क्योंकि मुझे गेम 7 में और कोई क्वेश्चन दिख नहीं रहा डाउट में जो आपने पहले मेरे को शेयर किया हुआ है। 18 का फर्स्ट एंड थर्ड एंड फोर्थ, 18th क्वेश्चन देखो बेटा, गेम 7, 17 का फर्स्ट अभी बता देता हूं, पहले 17 का फर्स्ट ही देख लो बेटा, फिर 17 का पहला पार्ट, y इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 बेस हाफ। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है कि इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए रूट डिफाइन होना पड़ेगा, लॉग डिफाइन होना पड़ेगा। लॉग को डिफाइन होने के लिए सबसे पहले लॉग डिफाइन होने के लिए लॉग का इनपुट पॉजिटिव होना चाहिए, तो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 हमारा पॉजिटिव होना चाहिए स्ट्रिक्टली। इसके साथ साथ लॉग इस नंबर पे लॉग ऑपरेट करेंगे हाफ बेस का, तो वो वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो वो भी हमने लिख दिया कि लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 बेस हाफ, ये वैल्यू भी ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, इक्वल टू जीरो भी नहीं हो सकती क्योंकि रूट तो डिफाइंड हो जाएगा जीरो पर, बट डिनोमिनेटर जीरो नहीं अलाउड है, तो ये ग्रेटर देन जीरो, जीरो को हम लिख सकते हैं लॉग वन बेस हाफ, क्योंकि दोनों साइड में लॉग का बेस सेम बना दिया। अब ये पहली कंडीशन को देखो ध्यान से, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, डी लेस देन जीरो है, तो ये तो हमेशा ट्रू, ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू का मतलब एक्स की कोई रियल वैल्यू दो सेटिस्फाई करेगी, एक्स बिलोंग्स टू रियल, मानते हो कि नहीं मानते हो? बिकॉज यू नो दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल इफ ए इज नेगेटिव, नो ए इज पॉजिटिव एंड डी इज नेगेटिव। अगर डी नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है, और अगर डी नेगेटिव है और ए नेगेटिव है, तो हमेशा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये बात आप पहले से जानते हैं, देयरफॉर इट इज ऑल रियल। या स्क्वायर कंप्लीट करके भी दिखा सकते हैं इस पर भी, और सेकंड केस में क्लियर कर दिख रहा है हाफ बेस का लॉग कैसा फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। हाफ बेस का लॉग है तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, उसको अप्लाई करने से या रिमूव करने से इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, तो यहां से आ जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 इज ग्रेटर का लेस देन 1 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज लेस देन 0 हो जाएगा, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इज लेस देन 0 हो जाएगा, तो ये तो वेविकर मेथड से एक्स बिलोंग्स टू 3 टू 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे बताओ, एक्स बिलोंग्स टू 3 टू 4 फाइनल आंसर क्या है अभी, रियल का इसके साथ इंटरसेक्शन लेके तो वही आंसर आएगा, तो फाइनल आंसर आ गया एक्स बिलोंग्स टू 3 टू 4। क्लियर है? 17 का फर्स्ट हो गया जी। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का जो डाउट था, एटीन क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है, एक फंक्शन है वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड एक्स माइनस 1 कॉस इनवर्स 2x प्लस 1 टेन थ्री एक्स, बोल रहे हैं फाइंड द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, इस फंक्शन का डोमेन बताना क्या डोमेन होगा इसका भाई, तो ऑब्वियस सी बात है देखो रेसिप्रोकल फंक्शन है, डिनोमिनेटर डिफाइंड होना चाहिए और जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये हमेशा डिफाइंड है, जीरो नहीं होना चाहिए, तो यहां से कंडीशन आएगी मॉड एक्स की वैल्यू वन नहीं होनी चाहिए,
एंड इसकी बात करो, ये पहले तो डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइन होने के लिए जो कॉस इनवर्स का इनपुट है 2x+1, वो -1 से 1 होना चाहिए। एंड बट कॉस इनवर्स की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो ये भी 0 नहीं होना चाहिए। तो कॉस इनवर्स 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कॉस इनवर्स 0 कब होता है? कॉस इनवर्स की वैल्यू कभी 0 होगी? तो कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है? 0 क्लोज से पाई। कॉस इनवर्स की वैल्यू 0 होती है जब जब उसको इनपुट 1 मिलेगा, क्योंकि कॉस 0 1 होता है, तो कॉस इनवर्स 1 0 होता है। कॉस इनवर्स 1 क्या होता है? 0। तो इसके लिए 1 नहीं होना चाहिए, बट 2x+1 की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर जो हमने -1 to 1 लिखा ना बेटा, उसको ओपन 1 कर दे तो बेटर होगा। तो आप इसको इसको हटा दो, बट वाला हटा के ऐसे लिख दो ओपन 1, तो भी चलेगा। बट एनी वे, जैसे भी आप लिख रहे हो। और तीसरा, tan 3x डिफाइंड होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो 3x डज नॉट बिलोंग्स टू ऑड मल्टीपल π/2, एंड 3x इज नॉट इक्वल टू n π, क्योंकि अगर 3x की वैल्यू n π होगी तो tan 3x 0 हो जाएगा, और जब 3x की वैल्यू ऑड मल्टीपल π/2 होगी तो tan अनडिफाइंड हो जाएगा। सो दीज आर दी ऑल कंडीशंस, इफ दे आर मेट देन द एक्सप्रेशन इज डिफाइंड एंड इट्स वैल्यू विल बी रियल एंड फाइनाइट, और वो डोमेन आ जाएगा। तो चलो भाई डोमेन लिखो, अब क्या आएगा, क्या क्या नहीं होना चाहिए वो देखो। तो यहां से x की वैल्यू, x डज नॉट बिलोंग्स टू -1 एंड 1, यहां से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। यहां से आया कि इन दोनों का फाइनल आया कि 2x+1 की वैल्यू -1 क्लोज से 0 1 ओपन होनी चाहिए, यहां ओपन कर दिया इसकी वजह से। फिर 1 सब्ट्रैक्ट किया तो -2 से 0, -1 से 0, तो x बिलोंग्स टू, एंड यहां से आया x बिलोंग्स टू -1 से क्लोज से 0 ओपन, और यहां पर आया एंड x इज नॉट इक्वल टू n π/3 एंड 2n+1 π/6। ये नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, और ये होना चाहिए। ये यहां तक बात समझ में आ गई? अब देख लो कि इस इंटरवल में -1 नहीं होना चाहिए, तो फाइनल आंसर अब मैं लिख रहा हूं। एक्चुअली हमें देखना तो इतना ही है, इसी में ये कंडीशन को इंप्लाई करो। तो x की वैल्यू -1 से 0 हुई, तो ये वाली कंडीशन मीट हो गई। अब इधर आ जाओ, n π/3 में क्या क्या आता है? तो n को 0 रखो तो 0, तो 0 तो ऑलरेडी इसमें नहीं है। n को π/3 रखो तो इसमें नहीं है। एन को -1 रखो तो -π/3 इसमें है, -π/3 इसमें है कि नहीं है? -π/3 इस इंटरवल में है नहीं है? अरे भाई, -π/3 का मतलब होता है -3.14/3, तो -1 से छोटी नंबर है, तो ये इसमें नहीं है। तो ये भी क्लियर हुआ, इसका क्लियरेंस मिल गया। अब इस पे आ जाओ, इसमें पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटरवल तो है नहीं, तो एन की वैल्यू -1 लो, एन -1, तो -π/6 इसमें है, तो वो हटाना पड़ेगा। तो ये आंसर आ गया। एन की वैल्यू अगर -2 रखते हो, -2, -1 पर तो -π/6 है, -2 पर -3π/6, -3π/6 वो आ जाएगा तुम्हारा -π/2। अब -π/2 -1 से छोटा हो गया, तो ये हमें नहीं चाहिए। तो दिस इज द ओनली आंसर। क्या आंसर आया इसका? -1 से 0 इंटरवल में से सिर्फ एक नंबर मिसिंग होगी, -π/6। ये डोमेन आ गया इसका। इसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट था,
एटीन क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, लॉग बेस टू ऑफ लॉग बेस 1/3 ऑफ लॉग बेस 3 x² माइनस 4x प्लस 3, ये फंक्शन है बोल रहे इसका डोमेन बताओ। अगर सारे फंक्शन सेम बेस के हैं तो आसान होता है, जब बेसिस स्वाइप हो रहे होते हैं फ्रैक्शन वन से बड़ा वन से छोटा तो आपको केयरफुल होना पड़ेगा। चलो एनीवे हमेशा स्टार्ट अंदर से करेंगे, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैंने पहली कंडीशन लिखी एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री पॉजिटिव, तो यहां से आंसर है एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से वन यूनियन थ्री से इंफिनिटी। ये कंडीशन है जब ये पहला वाला लॉग डिफाइंड हो। अब जब ये डिफाइंड हो गया तो इस लॉग की कुछ वैल्यू आएगी, वो वैल्यू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी कुछ भी आ सकती है, लेकिन फिर से लॉग ले रहे हैं तो फिर से वो क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो दूसरी कंडीशन होगी एंड, अब दूसरी कंडीशन मैं यहां से लिख रहा हूं है ना, लॉग ऑफ x² माइनस 4x प्लस 3 बेस हाफ बेस 3, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए तभी ना लॉग 1/3 डिफाइंड होगा। ये पॉजिटिव होने के लिए यहां पर क्या लिख देंगे, 1 का लॉग बेस 3 इजंट इट। तो बिकॉज 3 बेस का लॉग इंक्रीजिंग फंक्शन, तो यहां से कंडीशन आएगी x² माइनस 4x प्लस 3 की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। अच्छा वैसे भी देखो तो अगर अगर ये नंबर 1 से बड़ी होगी तभी ना इसका लॉग पॉजिटिव आएगा। तो ये तो लिखा था 0 से बड़ी, 0 से बड़ी होने पर तो सिर्फ लॉग डिफाइंड होगा, लेकिन अगला लॉग डिफाइंड होने के लिए ये नंबर 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो 1 से बड़ी करके जो सोल्यूशन आएगा उसका ये सुपर सेट आएगा, तो इन दोनों का लेंगे तो यही वाला डोमिनेंट होगा। एनीवे यहां से आया क्या, यहां से आया x² माइनस 4x प्लस 2 पॉजिटिव होना चाहिए। अब इसका सोल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा, तो अभी हम नहीं निकाल रहे हैं, अभी बाद में निकालेंगे, बट निकालेंगे इसका सोल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। डी लेस देन 0 है, सोल्यूशन होगा भी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके दो रूट आएंगे, रूट अगर लिखना चाहो तो आएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 4, 16 माइनस 8 बाई टू, 16 माइनस 8 इज 8, तो आएगा 4 प्लस माइनस 2 रूट 2 बाई टू, तो 2 प्लस माइनस रूट 2 मतलब एक आएगा 2 माइनस रूट 2 एक आएगा 2 प्लस रूट 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो एक्चुअली लिखना चाहो तो लिख दो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से 2 माइनस रूट 2 ओपन यूनियन 2 प्लस रूट 2 से इनफिनिटी। अब ये इसमें है, ये जो पूरा सेट है ना ये इसका सबसेट है पहली कंडीशन का, तो सबसेट ये सबसेट है और ये सुपर सेट है, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये सबसेट ही आएगा, मतलब अभी तक का ये हमारा आंसर है। बट अभी बात खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इसके अगर एक्स इस इंटरवल में लाई कर रहा है तो हमारा यहां तक डेफिनेशन होल्ड कर गई, पहला लॉग डिफाइंड है और पहले लॉग की वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए दूसरा लॉग भी डिफाइंड है, बट दूसरे लॉग की वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो तीसरी कंडीशन क्या होगी, लॉग ऑफ दिस ऑल दिस होल लॉग ऑफ 1/3 ऑफ लॉग 3 x² माइनस 4x प्लस 3, ये वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए। इसका मतलब है कि ये जो है लॉग ऑफ 1 बेस 1/3 होना चाहिए। ये बाहर वाला लॉग मतलब है ना, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। कौन सी क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, ये वाली क्वांटिटी भी पॉजिटिव होनी चाहिए पूरा। तो अब यहां पर थोड़ा सा चेंजेस आएंगे कैसे, क्योंकि ये बेस 1/3 है, ध्यान से देखो
तो ये नंबर वन से बड़ी होनी चाहिए, तो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3 बेस 3, ये नंबर लेस देन वन होनी चाहिए। वैसे भी देखो वन से छोटे बेस का लॉग 0 से 1 में पॉजिटिव होता है, तो ये नंबर 0 से 1 के बीच, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3 पॉजिटिव होना चाहिए बट वन से छोटा होना चाहिए। इसको लिख दोगे आप लॉग 1 बेस 3, आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3 वन से लेस होना चाहिए और ऑब्वियसली 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 से बड़ा तो हम इंश्योर कर चुके हैं ऑलरेडी, तो यहां से क्या आएगा फाइनली, ये वाली कंडीशन को भूल जाओ, वो तो ऑलरेडी इस इंटरवल में या इस इंटरवल में मीट हो ही रही है। तो यहां से आ गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3+2 इज लेस देन 0, हाँ क्या हुआ? अच्छा, 1 को लिखा था हमने ना, हाँ लॉग 3 बेस 3, बिल्कुल सही बात, तो ये 3 से छोटा होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x < 0 होना चाहिए, एक्स इंटू एक्स माइनस 4 < 0 होना चाहिए। यहां से आएगा एक्स बिलोंग्स टू 0 टू 4। तो अब तुम्हारा जो आंसर आया वो क्या है, देखो 0 टू 4 और इसका इंटरसेक्शन आएगा इन दोनों, तो ये नंबर लाइन है बेटा, ये 0 है, ये 4 है, ये 2+√2 है और ये 2-√2 है। एक इंटरवल बोल रहा है 0 ओपन से लेके 4 ओपन तक, एक है कि 2-√2 से लेफ्ट या 2+√2 से राइट, और दोनों का कॉमन सोल्यूशन आपको फिगर आउट करना है। आई थिंक आंसर आ गया कि नहीं, ये देखो एक ये आया और एक ये है, आंसर है एक्स बिलोंग्स टू 0 टू 2-√2 यूनियन 2+√2 से लेके 4, दिस इज द सॉल्यूशन सेट। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 18 का थर्ड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया, फोर्थ पार्ट भी ऐसे ही था, हो जाएगा कर ही लेते हैं। तो गेम 7 के बाद आती गेम 8 में, तो सारा गेम 8 तो डिस्कस हो ही गया था पिछली क्लास में, गेम 8, 9, 10 तो डिस्कस हो गया था। तो चलो पहले 7 फिनिश करो, लास्ट क्वेश्चन 7th का, 18th का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 18 का फोर्थ पार्ट, एटीन का फोर्थ पार्ट में y इज इक्वल टू लॉग ऑफ पहले लॉग का बेस है 2, दूसरे लॉग का बेस है 3, तीसरे लॉग का बेस है 4/π tan इनवर्स x की पावर -1। ये फंक्शन का डोमेन बोल रहे हैं, ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा, ठीक है जी। अब देखो ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा, तो इफ आई स्टार्ट राइटिंग द कंडीशन ये फंक्शन डिफाइंड हो, तो आपके पास में क्या क्या कंडीशन आ रही है, देखो ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए और ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो सारी कंडीशन लिखो, पहले तो लिखो टैन इनवर्स एक्स की पावर -1 पॉजिटिव होना चाहिए और डिफाइंड भी होना चाहिए, तो टेन इनवर्स तो हमेशा डिफाइंड होता है, पावर -1 है तो टेन इनवर्स की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इसकी कंडीशन आई, दिस इंप्लाइज एक्स कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0,
बिकॉज टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। नहीं अभी अभी एक सेकेंड रुक जाओ, रात्रे बोलो टेन इनवर्स पॉजिटिव होना चाहिए ना, एक सेकेंड, तो मैंने यहां पर लिख दिया, ये नहीं लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू जीरो से इन्फिनिटी होनी चाहिए, तो टेन ऑपरेट कर दो, इन्फिनिटी भी नहीं क्योंकि टेन इनवर्स की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, टेन इनवर्स की रेंज क्या होती है, टेन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2, तो मैक्सिमम वैल्यू तो π/2 तक ही जा सकती है, तो जीरो से π/2 ऐसा बोलो, π/2 ओपन है और जीरो ओपन होना चाहिए क्योंकि टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू जीरो अलाउड नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि टेन ऑपरेट करोगे ना जीरो से π/2 में टेन इंक्रीजिंग है, तो जीरो लेस देन एक्स लेस देन टेन π/2 इन्फिनिटी, तो ये पहली कंडीशन क्या है, एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी, मतलब एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी तो टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो ये वाला लॉग डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो वन अपॉन टेन इनवर्स एक्स अनडिफाइंड हो जाएगा, यहां तक बात समझ में आ गई। अब अगली कंडीशन क्या है, कंडीशन अब लिखते जाओ, अंदर से बाहर की तरफ निकलो, है ना, कंपोजिशन है, तो अब लिखेंगे लॉग ऑफ टेन इनवर्स एक्स की पावर 1/-1 4/π बेस, ये नंबर पॉजिटिव होनी चाहिए नहीं तो लॉग अगला लॉग नहीं डिफाइंड होगा, तो लॉग 1/4π, जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो को लिख दिया log1/4π, यहां से क्या आया, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो यहां से आया कि टेन इनवर्स ऑफ एक्स की पावर -1 की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, यहां से आया कि 1/tan-1x की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, अब बिकॉज टेन इनवर्स एक्स हमारा पहली कंडीशन में हम मेक आउट कर चुके हैं कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, तो यहां से आया कि टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, बट टेन इनवर्स की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, 1 से बड़ी और π/2 से तो छोटी होनी चाहिए, रेंज ही वहीं तक है, तो टेन इनवर्स 1 से π/2 होना चाहिए, 1 भी नहीं हो सकता क्योंकि टेन इनवर्स अगर 1 हुआ तो log1 जीरो हो जाएगा, जीरो का log 3 बेस पर अनडिफाइंड हो जाएगा, तो 1 भी अलाउड नहीं है, 1 से बड़ा ही होना चाहिए, अब टेन ऑपरेट कर दो, टेन तो क्या आएगा, टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है जी, इतना लिख दिया, चलो अब तीसरी कंडीशन में लिख दो, यहां से आ जाएगा टेन 1, मैं लिख दे रहा हूं जैसे, देखो 1 सेकेंड, टेन ऑफ 1 लेस देन एक्स लेस देन इन्फिनिटी, इसके बाद देखो तीसरी कंडीशन लगाओ, अब ये वाला लॉग डिफाइंड हो गया, तो सबसे अंदर ये लॉग डिफाइंड होने के लिए ये भी तो लिखेंगे कि log of ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, हाँ जी, तो दिस हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो, log1/3,
यहां से क्या आएगा भाई, यहां से आएगा कि लॉग ऑफ 1/10 इनवर्स एक्स बेस 4/पाई की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। 1 को लिख दिया हमने लॉग ऑफ 4/पाई बेस 4/पाई, फिर 4/पाई बेस डिक्रीजिंग है तो यहां से आ जाएगा 1/10 इनवर्स एक्स की वैल्यू लेस देन 4/पाई होनी चाहिए। तो यहां से आ जाएगा टेन इनवर्स की वैल्यू ग्रेटर देन पाई बाई फोर होनी चाहिए। दिस इज इंटरेस्टिंग, पाई बाई फोर से टेन इनवर्स एक्स बड़ा होना चाहिए और यहां बोल रहे हैं टेन इनवर्स एक्स 1 से बड़ा होना चाहिए। तो फाइनल आंसर क्या है जी? तो मेरे पास कंडीशन आई कि टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू ये कंडीशन को थोड़ा एक बार रीचेक कर लो यहाँ पर। तो टेन इनवर्स की वैल्यू आ गई पाई बाई फोर से बड़ी, टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई बाई फोर से बड़ी आ रही है और 1 से छोटी आनी चाहिए ना। एक मिनट, ओ, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है बेटा। ओ आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। तो ये इनइक्वालिटी तो चेंज होनी नहीं चाहिए, ग्रेटर देन ही रहेगा। ओके ओके, तो ये आ गया ग्रेटर देन 4/पाई, तो लेस देन पाई बाई फोर। तो बात खत्म हो गई, ये यहां पर बात खत्म हो गई है। तो ये कंडीशन है टेन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू आई, ये सारी कंडीशन को अगर देखो तो टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई बाई फोर से लेस आ गई, बट ऑब्वियसली 0 से तो बड़ी होगी टेन इनवर्स, ये तो आप देख ही रहे हो टेन इनवर्स 0 से बड़ा होगा। तो ये हमारा फाइनल कंडीशन है, फाइनल, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू टेन वन से बड़ी, तो टेन वन भी हमारा जो है वो इसी का सबसेट आ जाएगा उसमें भी। तो बेसिकली हमारा मतलब ये 1 to π/4 जो था ना, 1 tan inverse x 1 से लेकर के पाई बाई टू तक। तो फाइनली हमारे पास में जो आंसर है वो क्या है, टेन ऑपरेट कर दो क्या आएगा, एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1। तो अगर एक्स की वैल्यू 0 से 1 है तो ये फंक्शन डिफाइंड होगा, क्योंकि एक्स अगर 0 से 1 होगा तो टेन इनवर्स एक्स जो है वो 0 से π/4 होगा, तो उसका रेसिप्रोकल जो है वो 4/π से इंफिनिटी होगा। तो पहला वाला लॉग जो है वो 1 से बड़ा होगा, तो 1 से बड़े नंबर का लॉग पॉजिटिव होगा और वो पॉजिटिव होगा तब आउटर मोस्ट लॉग डिफाइंड हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द 18th का फोर्थ पार्ट। ठीक है, इसके बाद और कोई डाउट था? इसके बाद कौन सा डाउट था, फटाफट जल्दी बोलो। क्वेश्चन नंबर, गेम 8 में तो कोई डाउट नहीं था, सारा डिस्कस हो गया था। गेम 9 में भी सारा डिस्कस हो गया था, कुछ एक क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारा डिस्कस हो गया था। और जो छोटा भी हुआ था वो आपने मतलब कि आपने डाउट एज ए डाउट पूछा नहीं था, तो आप देख लो अगर कोई डाउट है तो बोल दो। गेम 10 में भी सारा डिस्कस हो गया था। गेम 11 में डू यू हैव एनी डाउट? गेम 9 क्वेश्चन 25। ओके, 25 में बहुत सारे पार्ट हैं, कौन सा पार्ट बेटे? क्वेश्चन नंबर 25 में बहुत सारे पार्ट हैं,
ओके जस्ट होल्ड ऑन, गेम 9 का 25th का पार्ट बोलो पहले तो। और आरव ने पूछा गेम 11 एंड क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है बेटा, आई एम कमिंग टू दैट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 25 में कौन सा पार्ट शिवानी? कोई से भी पार्ट, सारे पार्ट जो बोलो वो मैं बताऊं, सारे पार्ट। कोई भी करवा दो, सारे डिफरेंट टाइप के हैं। एनीवे 25 का देखो पहला पार्ट, y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर 6 प्लस कॉस एक्स की पावर 6। साइन स्क्वायर एक्स को अगर आप a ले लो और कॉस स्क्वायर एक्स को b ले लो, आपको पता है a प्लस b 1 है, तो ये एक्चुअली हो जाएगा तुम्हारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए प्लस बी तो 1 है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, जिसको हम 2ab-3ab लिख सकते हैं। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी 1 है तो ये भी 1 हो गया, तो 1-3 इंटू ए है तुम्हारा साइन स्क्वायर एक्स और बी है कॉस स्क्वायर एक्स। अब हो जाएगा बोलो, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, sin 2x का होल स्क्वायर हो गया। अब आप रेंज निकालोगे ना, sin² 2x की वैल्यू 0 से 1 होती है, तो 3/4 नेगेटिव से करोगे तो -3/4 से 0 हो जाएगा, और फिर 1 ऐड कर दोगे तो 1/4 से 1 हो जाएगा, ये रेंज आ जाएगा पहला पार्ट। अगर आप इसका दूसरा पार्ट करना चाहते हो तो आई थिंक अब आप कर जाओगे। दूसरा पार्ट, वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड साइन एक्स की पावर 4, मतलब साइन एक्स की पावर 4 प्लस कॉस एक्स की पावर 4। तो इसका ये हो गया तुम्हारा लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, वही ऊपर वाले सब्स्टिट्यूशन से। तो ये आ गया लॉग ऑफ ए प्लस बी 1 हो गया, तो 1-2 sin² x cos² x। अब इसका रेंज निकाल लेना, फिर लॉग लगा देना, तो ये भी हो जाएगा ना शिवानी? ठीक है, इवन थर्ड केस जो है, ln ऑफ मॉड ऑफ कोसेकेंट एक्स का रूट, इस फंक्शन का रेंज चाहिए। पहले डोमेन की बात करो, ये डिफाइंड कब होगा? इसको डिफाइन होने के लिए एलन ऑफ मॉड ऑफ कोसेकेंट एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, और जिसको हम एलन ऑफ 1 लिख सकते हैं। तो मॉड कोसेकेंट एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। इसके लिए मॉड ये तो ठीक है, फिर तो क्या प्रॉब्लम है? मॉड कॉसेकेंट एक्स की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी ही होती है, ये तो आपको पता ही है। कॉसेकेंट एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी होता है, मॉड लेने के बाद 1 से इन्फिनिटी होता है, तो ये तो हमेशा ही ट्रू होगा, है ना? ऑलवेज ट्रू आ गया, इट इज ऑलवेज ट्रू फॉर एक्स बिलोंगिंग टू ऑल रियल एक्सेप्ट एन पाई, क्योंकि एन पाई पर कॉसेकेंट अनडिफाइंड हो जाता है, सिर्फ यही एक कंडीशन है, एन पाई नहीं होना चाहिए एक्स। अब इस केस में ये तो डोमेन हुआ, अब इस डोमेन पर देखो, जब ये वैल्यू 1 से बड़ी हुई, 1 या 1 से बड़ी हुई, तो उसका लॉग लेंगे तो लॉग क्या होगा? 1 से बड़ी नंबर का लॉग पॉजिटिव होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा, तो इसका डोमेन रेंज आ जाएगी इसकी 0 to infinity। ऐसे भी सोचो, कॉसेकेंट एक्स की वैल्यू जब 1 होगी तो ये 0 होगा, और जब कॉसेकेंट एक्स इन्फिनिटी होगा तो इन्फिनिटी होगा, और इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से 1 से इन्फिनिटी सारी वैल्यू मिलेगा।
जीरो से इन्फिनिटी सारी वैल्यू ले लेगा। तो इन्होंने बोला था कि ये फंक्शन, अगर ये फंक्शन अपनी डोमेन से वाई सेट पर डिफाइंड हो तो सर्जेक्टिव होने के लिए वाई क्या होना चाहिए, यही वाई होगा, क्लोज जीरो से इन्फिनिटी होगा तो वाई होगा। तो ये तुम्हारा तीसरा पार्ट हो गया, 25th का तीसरा। 25th का जो चौथा पार्ट है वो है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 2√2 अपॉन √2 का लॉग √2, इसका रेंज निकालना है। तो आपको पता है कि ये नंबर का रेंज है -√2 से √2, इसमें 2√2 ऐड करोगे तो √2 से 3√2 हो जाएगा। ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 2√2 की रेंज आ गई। फिर √2 से डिवाइड करोगे तो इस पूरे नंबर को, अगर मान लो आप लॉग ऑफ वाई √2 बोलते हो तो वाई बिलोंग्स टू आ जाएगा 1 से लेके 3। ये 3√2 है बेटा, है ना, 1 से लेके 3 हो जाएगा √2 से डिवाइड करके। अब वाई 1 से 3 है, या वो भी मत लिखो। अब इसके बाद में इसका लॉग ले लो, लॉग 1 हो जाएगा 0, तो लॉग ऑफ वाई √2 क्या होगा, ये हो जाएगा 0 से लेके लॉग ऑफ 3√2, या इसी को लिख सकते हैं 0 क्रॉस से लेके 1, 2 की पावर हाफ है ना, तो 2 log 3, 2 log 3√2, ये आंसर आ गया तुम्हारा, ये रेंज आ गई। तो ये तुम्हारा 25th क्वेश्चन के सारे पार्ट हो गए। अब आरव तुमने कौन सा बोला, गेम आरव, गेम 11 क्वेश्चन 27। चलो भाई एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बात खत्म करें आज की कहानी को यहां पर। गेम 11 क्वेश्चन 27 देखो क्या है। एफ एक्स इज गिवेन एज 2x + mod x, इट इज नथिंग बट एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0 एंड 3x व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जी एक्स इज गिवेन एज 1/3 ऑफ 2x - mod x, विच इज नथिंग बट एक्स लेस देन 0 करेंगे तो आएगा थ्री एक्स बाई थ्री, दैट इज एक्स, और एक्स ग्रेटर देन 0 करेंगे तो आएगा x/3। एंड देन एच एक्स के बारे में बोले, एच एक्स इन दोनों का कंपोजिशन है, एफ जी एक्स है, एच एक्स है, एफ जी एक्स क्या आएगा, सिंप्लीफाई करो तो एफ ऑफ जी एक्स करेंगे तो एफ में जी एक्स डालेंगे ना, तो आएगा जी एक्स व्हेन जी एक्स इज लेस देन 0 एंड 3 GX इफ जी एक्स इज ग्रेटर देन 0। और जी एक्स लेस देन 0 कब है, जी एक्स नेगेटिव कब है, जब एक्स नेगेटिव है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा जी एक्स मतलब एक्स, जब एक्स नेगेटिव है, कि एक्स नेगेटिव है तो ये देखो जी एक्स लेस देन 0 का मतलब एक्स लेस देन 0, और एक्स लेस देन 0 का मतलब जी एक्स की जगह पर एक्स आएगा, और फिर जब एक्स ग्रेटर देन 0 है तो x/3 पॉजिटिव है तो जी एक्स पॉजिटिव है, और जी एक्स पॉजिटिव मतलब एक्स पॉजिटिव, और एक्स पॉजिटिव मतलब x/3, तो 3 × GX की जगह पर x/3 रख देंगे तो ये भी एक्स आ जाएगा। तो फाइनली आया कि एच एक्स एक्स आ गया, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। अब इन्होंने बोला कि देयरफॉर डोमेन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एच ऑफ एच ऑफ एच ऑफ, आई कितनी बार भी एच लगा दो क्या फर्क पड़ता है ना, क्या फर्क पड़ता है, क्यों, क्योंकि है तो ये आइडेंटिटी फंक्शन।
आइडेंटिटी फंक्शन को जितनी बार भी कंपोज करोगे, आइडेंटिटी आएगा तो ये साइन इनवर्स एक्स ही रहेगा ना बाबा, तो वाई जो है साइन इनवर्स एक्स रहेगा, एन बारी कंपोज करो चाहे टू एन बारी कंपोज करो, और साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, एंड देयर फोर इसका डोमेन होगा -1 to 1। तो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 27। तो नॉट ए बिग डील, 27 के बाद 29, एक 20th क्वेश्चन भी पूछा आपने, बट 20th इज नॉट वर्थ डिस्कसिंग। चलो मैं 20th भी बता दूंगा, नॉट टू वरी। 29 भी देख लो, 29 में दिया कि एफ एक्स जो है ये इंटरेस्टिंग है, देखो 2 - x की पावर n होल टू द पावर 1/n है, बोल रहे एफ एक्स इज गिवन एज दिस इफ एक्स इज पॉजिटिव। नहीं, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, x ग्रेटर देन 0 के लिए, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 एंड n इज पॉजिटिव इंटीजर, मतलब n नेचुरल नंबर है ना। प्रूव दैट f ऑफ एफ एक्स, f ऑफ एफ एक्स क्या होगा पहले ये देखते हैं। f ऑफ एफ एक्स करेंगे तो x की जगह एफ एक्स डालेंगे तो ऐसा आएगा, देखो 2 - fx की पावर n होल टू द पावर 1/n, बट अगेन व्हाट इज एफ एक्स की पावर n, एफ एक्स रेस टू द पावर n करोगे जब यहां फर्स्ट इक्वेशन में, तो आएगा 2 - x की पावर n, तो यहां से आ रहा है कि x की पावर n विल बिकम 2 - fx की पावर n, और देयरफॉर x की पावर n होल टू द पावर 1/n विल बिकम 2 - fx की पावर n होल रेस टू द पावर 1/n। तो ये जो पूरी क्वांटिटी है ये एक्चुअली x आ गई, x की पावर n होल टू द पावर 1/n दैट इज इक्वल टू x, तो f ऑफ fx आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। f ऑफ fx आइडेंटिटी फंक्शन है तो f ऑफ एनीथिंग वो भी दैट सेम थिंग आ जाएगा, तो ऑब्वियसली प्रूव हो गया ना x पॉजिटिव है, तो f ऑफ fx प्लस f ऑफ 1/x इज इक्वल टू x प्लस 1/x एंड व्हिच इज डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इफ x इज पॉजिटिव, क्योंकि amgm लगेगा, AMGM से ये क्वांटिटी दो सकते, ये स्ट्रेट अवे 19th क्वेश्चन तुम्हारा प्रूव हो गया। 29th के बाद 30th क्वेश्चन जो है बेटा सिंपल है, 30th भी सिंपल है और 20th भी सिंपल है, ठीक है। तो चलो 20th तो मैं क्लास में बता दूंगा कल शिवानी, 20th आई विल डिस्कस इन द क्लास बेटा, और 30th भी क्लास में डिस्कस कर लूंगा अगर, हाँ एक बार आप ट्राई कर लेना, और उसके बाद भी नहीं होता तो क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके जी, ओके, तो वी आर डन एवरीथिंग, ऑल द कॉन्सेप्ट एंड ऑल द प्रॉब्लम अप टू गेम 11। ओके, तो कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, इनवर्स इन्वर्टिबिलिटी ऑफ फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, ठीक है। तो कल इनवर्स खत्म करेंगे, परसों जो है ऑड इवन एंड प्री पीरियोडिक फंक्शन खत्म करेंगे, मतलब इस वीक में, और नर्सों से हम लोग ITF स्टार्ट कर देंगे, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चंस करते रहो, अभी मैं टेक्सुअल एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं डिस्कस किया हूं यहाँ पर, तो क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, जो जो डाउट होंगे उसको क्लास में डिस्कस कर लेंगे। सो लेट अस क्लोज द कॉल, ऑलरेडी काफी आज स्ट्रेच हो गई क्लास, ठीक है बेटा, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।